पहला चैप्टर अपने स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत सेक्टर, ठीक है। अब देखो विद्युत सेक्टर से लेकर अपने एक से चार चैप्टर है उसकी पूरी एक यूनिट है, ठीक है। एक से जो चार चैप्टर है उनकी पूरी एक यूनिट है और सात नंबर की। तो सबसे पहले अपने चैप्टर है विद्युत सेक्टर। तो विद्युत सेक्टर में सबसे पहले इसकी एक ब्रांच के बारे में बात करेंगे जिसको बोलेंगे स्थिर विद्युत की। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो लिखो अभी स्थिर विद्युत की, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्थिर विद्युत की। ये शाखा है स्थिर विद्युत की, हम किसके लिए बात करेंगे? तो पहला पॉइंट है आवेश क्या होनी चाहिए, स्थिर आवेश होनी चाहिए, स्थिर आवेश होनी चाहिए। और स्थिर आवेश के लिए किस किस की बात करेंगे हम? इसके लिए बल हो सकता है, विभव हो सकता है और सेक्टर हो सकता है। इन सब का जो अध्ययन करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत की बोलेंगे, ठीक है। तो इसका लाइन कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो इसकी शाखा पता होनी चाहिए कि हम विद्युत सेक्टर के लिए किसकी शाखा का उपयोग करेंगे, स्थिर विद्युत की। आवेश क्या होनी चाहिए, स्थिर। इसके अलावा बल है, विभव है, सेक्टर है, एक्सेट्रा, जो भी पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत की, ठीक है। उसके बाद में है ये तुम्हें पता है आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। एक तो हो जाएगा धनात्मक, ऐसे लिख रहा हूं मैं माइनस प्लस। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। अगर किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन। तो इनका जो प्रयोग है, आवेश के दो प्रकार के होते हैं, ये प्रयोग किसने किया था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस साइंटिस्ट का नाम अगर याद है तो बताओ। नहीं, साइंटिस्ट का नाम बताया क्या? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ये किसने बताया था? अरे इसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे फ्रैंकलिन। पूरा नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका लिखेंगे फ्रैंकलिन है, ठीक है। ये आवेश के बारे में बताया था। तो इसने प्रयोग कौन सा किया था वो तुम्हें याद रखना है कि इसने क्या लिया? एक कांच की छड़ी। क्या इसने? एक कांच की छड़ ली और इसको किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से, ठीक है। इस विधि को हम बोलेंगे घर्षण द्वारा। ये याद ना, आगे हम दो तीन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो विधि है ये है घर्षण द्वारा। तो देखो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। अब यहां पर धनावेशित का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ये देखो कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कांच की छड़ से निकल कर किसमें आ जाएंगे? रेशम के कपड़े में। तो जिसमें कमी होगी इलेक्ट्रॉन की वो तो कौन सा हो जाएगा? कांच की छड़ हो जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। तो इसका मतलब कांच की छड़ यहां पर क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। दूसरा इसने क्या लिया था? एबोनाइट। एबोनाइट भी ले सकते हो, या प्लास्टिक की एक बात है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो अब बिल्ली की खाल में रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश। तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी? ऋणावेश। इसका मतलब क्या हो गया? किसमें से किसमें इलेक्ट्रॉन चले गए? बिल्ली की खाल से किसमें आ गए? एबोनाइट में। तो बिल्ली की खाल से एबोनाइट में आ गए, इसका मतलब ये तो क्या हो गया? धनावेश। और ये कौन सा थी? ऋणावेश, ठीक है। अब इसका दूसरा एक एग्जांपल तुम घर पे भी देख सकते हो, जैसे अपने कंघी वगैरह करते हैं याद हो तो, ठीक है। कंघी वगैरह करते हैं तो अपने क्या करेंगे? बाल क्या होने चाहिए? सूखे होने चाहिए। उसमें अपने कंघी से जैसे दो तीन मिनट घर्षण करेंगे, घर्षण करने के बाद में क्या करेगा? एक हल्के से कागज के पास लेते हो तो उसको क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब घर्षण करने पर ही आवेश उत्पन्न हुआ है, पहले नहीं,
ठीक है। तो ये अपने सिंपल एग्जाम्पल समझा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने जो प्रयोग है वो कौन सा है, फ्रैंकलिन का है। कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, नहीं आज तक पूछा हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग चैप्टर में ये इसका क्या है पूरा बेसिक याद रखना है। अब इसका डायग्राम बना देता हूं मैं, ये लिख लेना डायग्राम इसका, इधर बना रहा हूं मैं। ये कोई स्टैंड ले लिया और स्टैंड के यहां पर कांच की छड़ को लटका दिया दर्शन करने के बाद, और इसके पास में एक दूसरी कांच की छड़ ले जाएंगे, ठीक है। तो समान समान आवेश होते हैं, दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, तो यहां वाली कंडीशन में हम क्या लिखेंगे प्रतिकर्षण होगा। दूसरा वापिस एक स्टैंड लो और यहां पर कांच की छड़, और इसके पास में एक दूसरी एबोनाइट की छड़ ले जाएंगे, तो यहां पर अब क्या होगा दोनों आवेश विपरीत है, तो यहां पर क्या होगा आकर्षण होगा। तो ये किसने प्रूव किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रूव किया था, कौन सी विधि के द्वारा प्रूव किया था, घर्षण के द्वारा बताया था। तो एक बार ये लिख लो, कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा बस, तो मैं जो विधियां याद रखनी है कौन कौन सी है, तो पहली विधि थी घर्षण के द्वारा और दूसरी जो विधि है वो स्पर्श के द्वारा। वापस देखना बेटा, ये फर्स्ट वाले डायग्राम में एक अनावेशित वस्तु ली है, दूसरे वाले में यहाँ पर इसके साथ दूसरी ली है आवेशित वस्तु। अब दोनों को यहाँ पर क्या रख देंगे, स्पर्श करा के रख देंगे, तो इस वाली वस्तु का आवेश अगर याद है तो इसको ए बी नाम दे दो, ये ए ये बी और ये ए और बी, ये ए और बी, ठीक है। अब इसमें स्पर्श करा दिया तो इसका आवेश का स्थानांतरण जो पास वाली वस्तु है ए में होता रहेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि बराबर नहीं होता। और तीसरे वाले डायग्राम क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे, तो ये आवेश समान रूप से वितरित रहेगा। इस विधि को बोलेंगे स्पर्श द्वारा। नहीं आकार कवर में साइज लेने से बराबर लेने से नहीं है, तो फिर बाद में ज्यादा कम हो जाएगा, बराबर की लेने। और ये याद रखना यहाँ पर अब कहोगे कि सर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं लिया, बता सकते हो क्यों? तो वो तो आवेशित कर देंगे, वो ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या धनावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसको अपने और आवेशित कर सकते हैं। अब पहले ऋणावेशित होगा तो आगे इसको आवेशित कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपने यहाँ पर इस विधि को क्या बोलेंगे, स्पर्श द्वारा। हो गया बेटा, हो गया तो बता दो। अब एक तीसरी विधि है, तीसरी विधि है जो एनसीईआरटी में भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो तीसरी विधि है परेड द्वारा। ये तो क्या अपने राजस्थान बोर्ड में है, इनका तो ज्यादा नहीं था, लेकिन तीसरी जो विधि है वो कॉमन है, एनसीईआरटी में भी है और तुम्हारे भी है। अब तीसरी विधि लिखो, तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले वही एक वस्तु लेंगे, ये कोई उच्चारक स्टैंड है, कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। अब दूसरी ये इसी को आगे ये ले लिया, वही कुचालक स्टैंड है। अब इसके पास में यहां पर एक धनावेशित कांच की छड़ लाएंगे,
ये धनाविष्ट काज की जड़। अब देखो ये याद रखना इसमें कि इसमें यहां पर ये कुचालक स्टैंड है, ये जो नीचे बता रखा है कुचालक है, कुचालक इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर वाला चालक लेंगे तो पूरा चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, इसलिए नीचे वाला स्टैंड हम कुचालक लेंगे। अब देखो जैसे ही मैं इस धनावेश छड़ को पास में लाऊंगा तो इसके पास वाले सिरे पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश, कौन सा हो जाएगा ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा यहां पर, और दूर वाले सिरे पर कौन सा हो जाएगा धनावेश। अब देखो सर यहां पर ऋणावेश क्यों हुआ, क्योंकि हम यहां पर जो छड़ ले जा रहे हैं वो कौन से ले जा रहे हैं धनावेश ले जा रहे हैं, तो ये इसको आकर्षित कब करेगा जब इसके यहां पर अंदर की साइड कौन सा होगा विपरीत आवेश होगा। अगर यहां पर मैं एबोराइड की छड़ लाता तो यहां पर कौन सा आ जाता प्लस आ जाता और यहां पर क्या आ जाता माइनस आ जाता, ठीक है। तो ये फर्स्ट डायग्राम हो गया, ये हो गया सेकंड। इसके बाद में थर्ड वाले डायग्राम देखो कॉपी से ही, ताज की छड़ और यहां पर इस वाले पार्ट को नीचे वाले जो दूसरा पार्ट है इसको यहां से भू संपर्कित कर देंगे, इसका साइन का मतलब है भू संपर्कित, ठीक है। भू संपर्कित का मतलब यह है कि जो भी यहां से जो यहां से पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसको पॉजिटिव वाले क्या कर देंगे उदासीन कर देंगे, क्या कर देंगे उदासीन कर देंगे, तो सारा जो पॉजिटिव है वो यहां पर भू संपर्कित हो जाएगा। तीसरा डायग्राम यह हो गया। अब पॉजिटिव चला गया तो जाहिर सी बात है कौन सा चार्ज बचेगा नेगेटिव बचेगा, तो यहां पर इस वाले अगले वाले डायग्राम क्या करेंगे इसकी कांच की छड़ की उपस्थिति में ऋणावेश रहेगा और धनावेश भूमि में चला गया इलेक्ट्रॉन के कारण उदासीन हो गया। अब लास्ट वाले डायग्राम ये तो इसका चौथा डायग्राम हो जाएगा। पांचवें डायग्राम क्या करेंगे कांच की छड़ को हटा लेंगे, ये देखो कांच की छड़ है इसको क्या कर लेंगे हटा लेंगे। अब कांच की छड़ को हटा लिया तो इसका मतलब इसको आकर्षण करने के लिए इसके पास कोई रहेगा ही, ठीक है। तो अब ये आवेश जो भी ऋणात्मक हो या धनात्मक होगा वो समान रूप से क्या हो जाएगा वितरित हो जाएगा, तो यहां पर ये माइनस माइनस से पूरा वितरित हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन बोलेंगे, ठीक है। वापिस सुन लो, कुचालक स्टैंड है, चालक गोला है, इसके पास में कोई एक आवेशित छड़ ले जाएंगे जो धनावेश या ऋणावेश कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर कांच की छड़ है तो धनावेश है, जैसे इसको पास ले जाएंगे तो यहां पास वाले सिर पर कौन सा आवेश हो जाएगा ऋणावेश और दूर की तरफ धनात्मक। तीसरे डायग्राम आ जाओ, दूसरा भाग है इसको क्या कर देंगे भू संपर्कित कर देंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन आकर इसके पॉजिटिव क्या कर देंगे उदासीन कर देंगे। चौथे डायग्राम आ जाओ, जब उदासीन कर दिया तो उसका मतलब है कांच की छड़ की उपस्थिति कारण कौन सा आवेश रहेगा ऋणावेश रहेगा, और लास्ट वाले डायग्राम क्या करेंगे इसको रिमूव कर देंगे कांच की छड़ को, अब आकर्षण प्रवृत्ति होगी नहीं, तो ये पूरा समान रूप से क्या हो जाएगा वितरित हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेश। और ये बना लो डायग्राम, थ्योरी तुम्हें इसके अकॉर्डिंग लेनी है, डायग्राम के अकॉर्डिंग रटना नहीं है तुम्हें, डायग्राम बनाओ तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया सारी चीजें वैसे अपने को बता दें। हो गया तो बेटा मैं बता देना एक बार, नहीं समझे साथ साथ बता दे देना। आवेश ये तुम्हें अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था फिर चैप्टर, आवेश क्या होता है क्यू बराबर आई टी, तो क्यू बराबर आई यहां पर क्या विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्र क्या होता है एम्पियर और समय क्या क्या होता है सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड को क्या लिखेंगे अरे कूलाम लिखेंगे, यहां पर कूलाम
सी से प्रदेश कर दें। अब इसका वीबीए सूत्र ए वन टी वन और आगे से क्या है अधिस राशि है छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रैंड जी पूछेगा नहीं अलग ही लेकिन तुम्हें तो करना है तो क्यू बराबर आई टी एयर इंटू सेकेंड गुलाम जिसको सी से प्रोड्यूस करते हैं ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ए वन टी वन अधिस राशि होगी उसके बाद में है वन मिली गुलाम ये तुम्हें यूनिट चेंज करने के लिए आएगा टेन ए माइनस थ्री वन माइक्रो गुलाम टेन ए माइनस सिक्स वन नैनो गुलाम नाइन और वन पिको गुलाम ज्यादा अपने यही काम आएगा वन माइक्रोग्राम इसी के ज्यादा क्वेश्चन है अपने माइक्रो को इसमें चेंज करेंगे तो टेन हमारे सिक्स गुलाम बड़ा साथ साथ लिखते जाना जहां पर नहीं समझ आए बता देना और एक है इसमें एक गुलाम बराबर होता है तीन इंटू दस पे घात नौ ई एस यू इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट अलाइन नहीं पूछा जाएगा लेकिन अपने दिख लेना तुम तो ठीक है सर क्या ठीक है तो बात दो ही बैठे पार्टिसिपेट आप ही तो बनते 11 बजे 13 पढ़ने वाला तो नंबर है नहीं जुड़े जुड़े यार मैं बात करते हैं तो क्या हाँ वही मैंने कल ही मैसेज दिया मैं करूँगा पढ़ा एक करारी हजार बराबर क्या चार हजार और एक इसका मात्रक होता है फ्रैंकलिन भी मात्रक होता है दूसरा एक मात्रक और होता है फ्रैंकलिन अपने जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसा ही मात्र की पूछेंगे ठीक है सीजीएस वगैरह के कम ही पूछते अपने तो ये आवेश के बारे में जो भी पॉइंट थे वो अपने सारे बता दिए देख लो क्यू इक्वल आई टी क्यू इक्वल एम्पियर इंटू सेकंड गुलाम हो गया ये विमीय सूत्र हो गया अधिस राशि है और ये सारी वैल्यू है ए गुलाम इक्वल आगे थ्री इंटू टेन पे नाइन ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट बेटा हो गया तो बता देना नेक्स्ट पॉइंट करें फिर आवेश के गुण तो इसके आवेश के चार गुण है बेटा ठीक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो दो ही पूछे हैं लेकिन अपने चारों की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो विद्युत आवेश की योग्यता विद्युत आवेश की योग्यता पहला गुण है ये। अब पहले देखो समझ लो एक बार इसको विद्युत आवेश की योग्यता का मतलब क्या होता है कि किसी निकाय में ध्यान से देखना ना ये कोई निकाय बना रखा मैंने किसी निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा जैसे यहां पर ये पूरा निकाय बना रहा है इसे मैंने दे दिया पांच माइक्रोग्राम है एक दस माइक्रोग्राम है और दूसरा है माइनस दो माइक्रोग्राम है और एक माइक्रोग्राम ठीक है विद्युत आवेश की योग्यता का मतलब क्या होता है
जो जितने भी आवेश है सबको क्या करना है, अपने को जोड़ना है, उनका सबका बीजगणितीय योग करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सभी आवेशों का क्या होगा, आवेशों का बीजगणितीय योग होगा, बीजगणितीय योग। ठीक है, अब जितने भी आवेश है सबका टोटल कर दो। ठीक है, अब इनका साइन अलग रहेगा, बीज का साइन अलग रहेगा। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये प्लस है, फिर यहां पे प्लस का साइन, फिर दूसरा चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, फिर प्लस का साइन माइनस 2 माइक्रोकूलम, फिर प्लस, आगे दिखाई दे रहा है पूरा, नीचे लिख रहा हूं, ये -1 माइक्रोकूलम। अब प्लस के कितने हैं, माइनस के कितने हैं, उसके बाद में जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश की योग्यता। कितना आंसर आएगा बताओ, अरे कितना आएगा, 10 माइक्रोकूलम। देखो 5 और 10 ये तो 15 हो गए, प्लस क्या हो गए, और 3 किसके हो गए, माइनस के हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश की योग्यता। ठीक है, तो पहला गुण हो गया विद्युत आवेश की योग्यता। दूसरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, लिख लेना भली, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। अब ये तुम्हें पता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आवेश संरक्षण का नियम हो जाएगा। वापस से बोल रहा हूं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में इसको स्थानांतरण किया जा सकता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो हिंट के लिए थोड़ा बहुत लिख देता हूं मैं, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित हो सकता है। ऊपर वाला लिख लिया ना, फर्स्ट वाला देख लो एक बार, अब देखो इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ऊपर बता रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला हो गया ना विद्युत आवेश की योग्यता बेटा, अरे फर्स्ट हो गया ना विद्युत आवेश की योग्यता। अब इसका मैं उदाहरण बता रहा हूं तुम्हारे रूप में, 3-4 उदाहरण बता रखे हैं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, अब देखो इसका उदाहरण लिख लो, उदाहरण क्या होगा, ई माइनस ये है इलेक्ट्रॉन और ये इसका एक प्रतिकरण होता है, वो होता है पॉजिट्रॉन, और आगे आ जाएगा गामा और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन माइनस वन और जो पॉजिट्रॉन होता है वो इसका क्या होता है, एक प्रतिकरण होता है, तो ये हो गया प्लस वन और ये है विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो इस पर भी आवेश नहीं होता है, ये भी उदासीन होता है, तो यहां पर 0। तो रिएक्शन से पहले भी 0 है और रिएक्शन के बाद में भी 0 है, इसका मतलब आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 या 14 याद नहीं मुझे, ये नियम लिखना था और उसके बाद में कोई सा एक उदाहरण लिखना था, तो ये इलेक्ट्रॉन है, याद नहीं तो लिख लेना, इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है और ये गामा विद्युत चुंबकीय विकिरण है और ये ऊर्जा लिखिए आगे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये आवेश संरक्षण का नियम पूछा हुआ है, एक नंबर में नियम लिखना था और एग्जाम्पल बताना था। हो गया बेटा, एक बार बताओ सेकंड आवेश संरक्षण का नियम, परिभाषा लिखनी है और इसका उदाहरण लिखना है, ये हो गया सबका? अब देखो तीसरा, तीसरा भी क्वेश्चन पूछा है, तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण। अगली एडी लिखो, तीसरा गुण लिखो बेटा आवेश का क्वांटीकरण। ये भी इंपोर्टेंट लगा रहे ना, आवेश के क्वांटीकरण का मतलब ये है कि इसका चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परिभाषा बता दें, Q इक्वल होता है प्लस माइनस एन ई। तो आज आवेश का क्वांटीकरण किसे कहेंगे, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, इसी को क्या बोलेंगे आवेश का क्वांटीकरण। क्यों यहां पर आवेश है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश का है, तो ई की वैल्यू कितनी होती है ये तुम्हें पता ही है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, इसको किसने सिद्ध किया था, नाम याद बता दो, आर ए मिलिकन ने तेल गुण प्रयोग के द्वारा इसका मान निकाला। एग्जैक्ट मान तो काफी होता है, 1.6 बाद में काफी डिजिट होता है, लेकिन अपने 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ही लेंगे। तो ये तीसरा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वापस देखकर सुन लेना, किसी वस्तु पर आवेश का मान है वो इलेक्ट्रॉन के लिए पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब एन की वैल्यू यहां पर क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 1, 2, 3 और ऐसे चलेगी, दिन में नहीं होगी। ठीक है, अगर ऐसे कई वैल्यू लिखी है, 3e/2 लिख दिया प्लस माइनस, तो इनको एक अलग से बोलते हैं, क्वार कण बोलते हैं, ये अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत याद रखो तो ठीक है, अगर बिन के रूप में होंगे उनको बोलें क्वार कण बोलते हैं,